वेलकम टू जीरो से जीनियस सर। तो आज के इस नए वीडियो में हमने कवर किया है ज्योग्राफी के टोटल 28 सवालों को, जो कि अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सारे ही क्वेश्चन काफी सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट रहेंगे, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, सूर्य सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शनि। अगला क्वेश्चन, माधवी जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये असम में स्थित है, माजुली असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माही नदी किस में जाके गिरती है? माही नदी जाके गिरती है खंबाद की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है? केसर, मिर्च, आम या सेब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपने पहले भी पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए असम की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकोकू। शिकोकू को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी व्यक्ति का वजन सर्वाधिक होगा? तो सही जवाब है ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर ए। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? बेसिक क्वेश्चन है ये, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट, 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजोन परत किस में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को बिल्कुल पता रहना चाहिए, और जैसा कि सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे ज्यादा बड़ी है? तो सही जवाब है एंडीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, आपने पहले भी सुना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को नेचर का सुरक्षा वॉल्व के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता तो होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कि कोटोपेक्सी है, ये कहाँ स्थित है?
भारत, जापान, जर्मनी या इक्वाडोर में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अगला क्वेश्चन है और इसे कोटोपेप्सी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है? सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी विश्व की झील है? आपने पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव यानी कि हमेशा दिन भर रात की अवधि समान रहती है? काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सदैव हमेशा दिन व रात इक्वल रहता है, आपको पता होना चाहिए ये जवाब। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी वह लंबी सड़कों में से एक है, यह किन देशों से होकर गुजरती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही जवाब हो जाएगा, ये होकर गुजरती है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। आपको पता तो होना चाहिए अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ये सब स्थित है ऑस्ट्रेलिया के समीप। ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हांगहो नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको आंसर पता होना चाहिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी है नील नदी, आपने अपने स्कूल में 4th-5th क्लास में इसे पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी यानी कि सन और अर्थ के बीच सबसे ज्यादा दूरी कब होती है? तो सबसे ज्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो पिछले वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछा गया था, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन था ये, किसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज के क्यू फॉर यू में आपके लिए एक नया क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ऑप्शंस आपके सामने है, अगर आपको सही जवाब पता है तो करना ये है, वापस से क्यू फॉर यू मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसी के साथ अपना सही जवाब लिख दीजिए। और लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एक और बार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, आपका समय शुभ रहे।